गाइस, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको कभी कभार ऐसे कुछ बूस्टिंग या फिर कूलिंग या फिर जंक फाइल क्लीनिंग ऐसे कुछ चीज़ की ज़रूरत होते हैं। तो वैसे ही मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आज बताने वाला हूँ, आपको काफ़ी इंटरेस्टेड लगेंगे, मज़ेदार लगेंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है ANT बूस्टर, जो कि फ़िलहाल आपको सारे के सारे चीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज़, हम लोग इसको ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये एप्लीकेशन आप जेनुइनली डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसका जेनुइन, जो मतलब सही में यही प्रोडक्ट है, उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया। वहाँ पर से आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउनलोड करके इसका लिंक, ओरिजिनल जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। अब गाइस, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको यहाँ पर दिखाते हैं कितने रैम आपके फ़ोन में है एंड कितना यूज़ हो रहा है, और कितने स्टोरेज आपके फ़ोन में है और कितना यूज़ हो रहा है। ये सबसे कूल मुझे लगा है यहाँ पे। एंड आपके जो पूरा फ़ोन कितना यहाँ पर मतलब रैम कवर कर रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखाते हैं, मतलब आपके रैम कितने यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाते हैं। एंड अगर आप करते हो बूस्ट नाउ पे क्लिक तो आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ एक एक चीज़। तो जैसे कि अगर आप बूस्ट नाउ पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एक परमिशन देना पड़ता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना। एंड गाइस, यहाँ पे काफ़ी हद तक एलो आपको करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कैनिंग हो रहा है। एंड स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पे सारे के सारे जो एप्लीकेशंस है, आपके जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पे जो है आपके फ़ोन के ज़्यादा मतलब स्टोरेज रैम को यूज़ कर रहे हैं, वो सारे एप्लीकेशन को ये बूस्ट अप कर देते हैं, ताकि आपके फ़ोन जो है वो काफ़ी हद तक स्पीड अप हो जाते हैं। एंड गाइस, जिनके पास उतना अच्छा एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है वो ये सारे एप्लीकेशन यूज़ करके थोड़ा बहुत अपने फ़ोन को स्पीड अप कर लेते हैं, और जिनके पास काफ़ी हद तक अच्छे एंड्रॉयड डिवाइस है उसको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब फ़ोन मतलब ये सब एप्लीकेशन की। अब गाइस, यहाँ पे बात करते हैं जंक फाइल। अगर आप क्लिक करते हो जंक फाइल के अंदर, तो यहाँ पे फिर से आपको अलाउ करना है आपके फ़ोटो वगैरह, फाइल्स वगैरह सारे के सारे। स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पर आपको दिखा दे कितने आपके फ़ोन में जंक है एंड कितने बेकार की चीज़ भरा हुआ है। इसको अगर आप चाहे तो क्लीन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये क्लीन करने से पहले एक बार श्योर हो लेना कि आपके जो फाइल्स है वो मतलब सेफ है, आपके जो फोटोज़ वगैरह हैं या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह है वो एक बार आपने मेमोरी कार्ड के अंदर कॉपी कर लिया, ताकि यहाँ पर से कोई आप पर्सनल फाइल जो है वो डिलीट ना हो जाए। अब गाइस, यहाँ पे बात करते हैं आपको बैटरी सेवर के बारे में। यहाँ पर काफ़ी अच्छे एक फीचर्स मुझे ये लगा बैटरी सेवर, ये काफ़ी एप्लीकेशन के अंदर मुझे दिखने को नहीं मिला, लेकिन इसके अंदर मुझे दिखने को मिला। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो सेव मोर बैटरी पर क्लिक करके और भी बैटरी आपके फ़ोन के बचा सकते हैं। आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन यहाँ पर जो है बैटरी यहाँ पर सेव कर लेते हैं एंड ऑप्टिमाइज कर लेते हैं खुद को। और इसके अंदर अगर आप नेट को ऑन रखते हैं तो थोड़ा बहुत ऐड आपको दिखने को मिल सकते हैं, तो आप इरिटेट फील नहीं करोगे क्योंकि उतना भी ज्यादा ऐड नहीं आते। अब गाइस, सीपीयू कूलर की बात जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, हर एक को ये चाहिए होता है, फीचर्स काफी अच्छा है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगा इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस आपके सीपीयू के हैं। तो यहाँ पे आपको कूल डाउन पर क्लिक करना है एंड जस्ट ऑप्टोमाइज करके ऐसा कुछ लिखा आएंगे। अगर आपके इंटरनेट ऑन रहा तो आपको ऐड देखने को मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐड को क्लोज कर देना एंड उसके बाद आपकी सीपीयू जो है वो काफ़ी हद तक कूलिंग कर देते, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत कर देते, लेकिन ये आपके रैम क्लीनिंग, स्टोरेज क्लीनिंग, जंक क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। उसके साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन क्लीनर भी मिल जाते हैं। ये आपको मतलब क्या बताए, ये चीज़ मतलब एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन में मैंने नहीं देखा, लेकिन इसके अंदर है, काफ़ी अच्छा है। जिनके नोटिफिकेशन काफ़ी हद तक ज़्यादा आता है वो इसको क्लियर कर सकते हैं। फ़ोटो क्लीनर के अंदर जाए, जो फ़ोटो दो दो है आपके फ़ोन के अंदर वो फ़ोटो को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, मतलब एक फ़ोटो का डुप्लीकेट कॉपी है तो इसको आप यहाँ पर से स्कैन होने के बाद आप आराम से जो है नीचे की तरफ डिलीट लिखा है वहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर सकती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस, ऐप मैनेजर के अंदर अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे एप्लीकेशन दिखाते हैं एंड कितने MB आपके फ़ोन के अंदर ये लेकर भर रख के आप खुद को यहाँ पर वो दिखाते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर से कोई भी ऐप को अनइंस्टॉल या फिर बैकअप कर सकती है, यानी फ़ोन के अंदर सेव कर पाएंगे मेमोरी कार्ड के अंदर। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है गाइस, ध्यान से देख लेना। अब गाइस, इसके नीचे आते हैं, नीचे आपको सारे के सारे मतलब आपके फ़ोन के जो मॉडल है, स्क्रीन साइज कितने हैं, रैम कितने हैं, स्टोरेज कितने हैं, रेजोल्यूशन कितने, एंड्रॉयड वर्जन किया है या फिर CPU में कितने MHz हैं और कोर्स कितने हैं वो भी दिखाते हैं। मतलब क्या ही बताएगा इस, इसके अंदर आपको सारे सारे चीज़ डिटेल्स में दिया हुआ है। बैटरी के अंदर सारे चीज़ यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। एंड गाइस, कितने परसेंट है, कितने टाइम तक देंगे ये भी दिखाते हैं। GPU के अंदर, यानी GPU का मतलब होता है
ग्राफिक्स कार्ड बेसिकली, तो ग्राफिक्स चिप यहाँ पर वही बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पर जीपीयू जो है आपके ग्राफिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राफिक जो है यहाँ पर क्वालकॉम की तरफ से आ रहा है, एंड यहाँ पर मॉडल भी आपको दिखाते हैं। तो ये एप्लीकेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे यूनिक एप्लीकेशन, सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाला आइकन दबाना होगा। एंड गाइस ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाउनलोड लिंक है इस एप्लीकेशन का, वहाँ पर क्लिक करना होगा तभी आपको ये जेन्युइन एप्लीकेशन मिलेगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक आप सारे लोग बेहद खुश रहो।